हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके गाइस नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। नेक्स्ट 7 डेज व्यूवर्स यानी 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक का। इसमें देखने वाले हैं व्यूवर्स कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन के अंदर, क्या कुछ ऐसा भी है जो आपकी लाइफ में कम्प्लीट होने जा रहा है, आपकी कोई विश है, आज हम ये भी देखेंगे। ओके व्यूवर्स, तो जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड हर कोई इसे देख सकता है। रीडिंग का जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है व्यूवर्स, उसे क्लेम करना ना भूलिएगा। रीडिंग को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके नेक्स्ट 7 डेज। ओके, नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कुछ लेके आ रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ होने वाला है व्यूवर्स की लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, प्लीज हमें गाइड करिए, प्लीज हमें बताइए। ओके व्यूवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, हैरियोफेंट, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स मेरे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, ओके, 5 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्यूवर्स मेरे पास है 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड। ओके, यहीं पे रख लेते हैं। ओके व्यूवर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, आपके आपके करियर में या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, ठहराव आने वाला है लाइफ में। जो उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपकी लाइफ में, या फिर ये कहें कि लाइफ एक तरह से आप यही मानते हैं कि मेरी लाइफ कम्प्लीटली जैसे कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कुछ मेरी लाइफ में जैसे कि बचा नहीं है, तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स। यहाँ पे आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। भाग्य में बदलाव है, समय में बदलाव है, जैसे समय चक्र बदल रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं व्यूवर जो आपके साथ में होंगी, और वो कहीं ना कहीं गाइस जो एक ऐसा टाइम है यहाँ पे जो नेक्स्ट 7 डेज में कुछ एंडिंग और कुछ बिगिनिंग को दर्शाता है। तो एंडिंग व्यूवर्स यहाँ पर आपके फ्रस्ट्रेशन की, आपके टेंशन की, आपके साथ में किए हुए धोखे की, या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की या फिर फ्रस्ट्रेशन की, वो एंडिंग होने जा रही है यहाँ पे, मैं वो देख पा रही हूँ। किसी ने गाइज जैसे कि आपका कुछ लेके आप ही को गाइज उसके बदले मतलब कुछ नहीं दिया, या फिर दिया तो धोखा दिया, चाहे वो गाइज आपका विश्वास हो, या फिर आपका आपने किसी को फाइनेंशियली हेल्प करी हो, या फिर आपने किसी के ऊपर मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट करा हो, है ना व्यूअर्स। और मतलब क्या है, आपने जब किसी को देने में आए थे तो आपने कभी भी मतलब क्या होता है, आपने अपनी या तो किसी को अपना प्यार दिया या फिर किसी की हेल्प करी, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो चाहे किसी भी तरह की हेल्प हो, आपने उस समय बिना सोचे समझे या फिर एक भावनाओं में बह के आपने हेल्प करी थी किसी की भी हो व्यूअर्स, या किसी के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो सोचा समझा नहीं था इसके क्या परिणाम हो सकते हैं या इसका क्या आउटकम निकल के आ सकता है। तो व्यूअर्स वहाँ यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ कि अब आउटकम आने का टाइम आ चुका है, यानी आपको आपके किए हुए एफर्ट्स के बल पे रिटर्निंग में कुछ मिल रहा है, या फिर जहाँ पे ये कहे हम तो कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है कि अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है या फिर कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकते हैं, या मैं इस समय से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, तो उस समय से आप बाहर नेक्स्ट 7 डेज में निकलेंगे। और गाइज ये होने ही भी वाला है, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकल के आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। हार्ड टाइम यानी अपने ही अपनों के साथ में कहते हैं ना, धोखेबाजी करना, दगा करना, आर्ग्यूमेंट करना, फ्रस्ट्रेशन करना, अपने मतलब
अपने बारे में ज्यादा सोचना और दूसरे को निग्लेक्ट करना या दूसरी की फीलिंग्स को कदर नहीं करना, ठीक है, या फिर किसी की वैल्यूएबल एस्पेक्ट, वैल्यूएबल चीज, वैल्यूएबल एसेट, या किसी के मतलब क्या है, किसी ने आपको आंख बंद, मतलब क्या है व्यूअर्स, आपने किसी को आंख बंद करके कोई चीज दे दी, चाहे वो किसी भी तरह से, और आपके पर्सन ने उसको आपका फायदा उठाया, आपको आपको धोखा दिया व्यूअर्स, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। अब सेलिब्रेशन की एनर्जी में आप निकल गए, टेंशन डिप्रेशन से आप बाहर निकल रहे हैं, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए ये भी एनर्जी निकल गया है, द वर्ल्ड, यानी आपके आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। कुछ मैटर व्यूअर्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ में हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में हो, या आपकी आपकी लव लाइफ के अंदर हो, या आपके फैमिली मैटर्स हो, वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो सॉर्ट आउट की गाइज यह एनर्जी है, यानी कि एक जजमेंट एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हाँ भाई, ये जो मसले हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज से सुलझाया जाएगा। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी व्यूअर्स, यहाँ पे किसी की हार या जीत नहीं हो रही है, यहाँ पे बात है व्यूअर्स की, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यानी दोनों को इक्वल इक्वल मतलब वैल्यू दी जा रही है। जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अनइक्वल था, या फिर कोई इंसान अपने बारे में ज्यादा सोच के आपके बारे में नहीं सोच रहा था, या फिर आपको वो चीजें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जो आप डिजर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे गाइज एक कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी ये दिखाती है कि जो भी हो रहा है वो आपकी लाइफ को स्टेबल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, बैलेंस क्रिएट कर रहा है। ना ही यहाँ पे किसी की हार हो रही है, ना ही किसी की जीत हो रही है, मतलब क्या है, एक ही मैटर पे आके दोनों ही जने एक ही बात पे आके अपनी सुलह कर रहे हैं। तो सुलह की एनर्जी व्यूअर्स, कुछ मैटर तो जरूर आपकी लाइफ में चले, क्योंकि गाइज यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यानी कुछ झगड़े, कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा है व्यूअर्स जो आप दोनों में, या आपके आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जिनने जिस वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है, और इन चीज़ों को गाइस सॉर्ट आउट, आपको इन चीज़ों पे आपको जो डिसीजन निकल के आएगा, जो भी कॉम्प्रोमाइज का डिसीजन होने वाला है व्यूवर्स, वो नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी दिखाता है। करियर में बहुत अच्छे बदलाव यहाँ पे नजर आ रहे हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने जा रही है नेक्स्ट 7 डेज में। किसी की जॉब लग सकती है व्यूवर्स, या किसी को अनएक्सपेक्टेड मनी गेन हो सकता है, तो मनी गेन की एनर्जी व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एक ऐसे टाइम से आप कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको किसी ने, मतलब व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि कुछ चीजों से आपको खुद भी निकलना होगा, कुछ माइंडसेट आपने बनाए हुए हैं, तो उस माइंडसेट से आपको व्यूअर्स बाहर निकलने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके व्यूअर्स, दिमाग में बहुत कुछ चलता है व्यूअर्स आपके, आपको ये बोला जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं रिलीज कर दो और अपने विजडम का इस्तेमाल करो। यहाँ पे आपके लिए गाइज ये भी है कि आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप डरते रहेंगे, या फिर अपने आप को कमजोर समझेंगे, या फिर आपको अपने आप को इस काबिल नहीं समझेंगे कि आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप इन चीजों से सबसे पहले तो अपने आप को बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि आपकी जो आप अपने आप में कमजोरी फील कर रहे हो ना, एक्चुअल में वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कमजोरी नहीं है। अगर आप किसी के सामने झुक जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी कमजोरी है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके अंदर वही, आपके अंदर ही वो पावर है कि आप रिश्तों को अच्छे से लेके चल सकते हो। सामने वाला पर्सन इस लायक नहीं है, अगर वो इस लायक होते तो आपके साथ में प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती। बट यहाँ पे गाइज आपकी ये स्ट्रेंथ है, इसे अपनी स्ट्रेंथ में ही कन्वर्ट करिए, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे यही नजर आ रहा है, और यही गाइज आपकी स्ट्रेंथ है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ लेके आ रही है, ये आपकी लाइफ में गाइज उन चीजों को सॉर्ट आउट कर रही है, उन चीजों उन्हीं पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जो आपके साथ में मुंह मोड़ के, या आपके साथ में विश्वासघात करके, आपका दिल तोड़ के वो लोग चले गए थे। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे व्यूअर्स आपकी तरफ बहुत सारी चीजें बढ़ती हुई, मतलब गाइज एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, और उसके साथ गाइज मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे व्यूअर्स एक रेस्ट की एनर्जी है, जैसे कि मैटर सॉर्ट आउट हो जाना, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में गाइज आ रही है वो आपके मैटर को ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज गाइज मुझे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। 5 5 5 की एनर्जी गाइज बहुत ज्यादा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 की एनर्जी है व्यूअर्स, जो आपकी लाइफ में व्यूअर्स इन चीजों को चेंज कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन नेक्स्ट 7 डेज में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे व्यूअर्स वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब क्या है, मैटर व्यूअर्स यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, अप्रोच किया जा रहा है आपको, आपकी यहाँ पे वैल्यूज एनहेंस हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोग गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन जो भी छूट रहा है व्यूअर्स वो छूटना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको गाइज नेक्स्ट 7 डेज में ही समझ में आएगा, जब आपकी लाइफ में ये चीजें जब जाने लगेंगे आपकी लाइफ में, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो ये मेरी लाइफ में हुआ ये मेरी बेहतरी के लिए हुआ, और व्यूअर्स वही आपके लिए लाइफ में खुशियां लेके आएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे खुशियों की एनर्जी तभी आएगी जब लाइफ में से ये जो नेगेटिव एनर्जी है, या फिर ये जो पर्सन है जिसने आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल दिया है, या फिर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, तो वो
वो एनर्जी गाइज आपकी लाइफ में से रिलीज हो रही है, ओके। और फिर एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि गाइज रियूनियन की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो हो सकता है व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कुछ लोग अपनी अपने अपने पर्सन के साथ में कनेक्ट हो सके, उनके साथ में आपका रियूनियन हो जाए और वही आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ अप्रोच की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है आज की, ओके व्यूअर्स। नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स बिग चेंजेस लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, और चेंजेस गाइस जरूरी भी हैं, क्योंकि आप उस कहते ना एक एक परेशानियों का घड़ा होता है या फिर एक परेशानियों का लेवल होता है, एक 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 रेखा होती है जिसको आप क्रॉस कर चुके हो ऑलरेडी। तो जब क्रॉस कर चुके हो तो गाइस अब उसके बाद में न्यू बिगनिंग होना कंपलसरी है, और वही मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ कि न्यू बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 7 डेज में आपको मिल रही है आपकी लाइफ के अंदर। तो मैटर सॉर्ट आउट तो हो ही रहे हैं व्यूअर्स, ओके। रिलैक्सेशन वाली एनर्जी है व्यूअर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यूअर्स आप अपनी लाइफ के जो हार्ड टाइम है ना, आपके लाइफ में स्ट्रगल वाले टाइम, उससे निकल रहे हैं। 7 चक्रा आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह, यहाँ से व्यूअर्स आपको अपने विजडम का इस्तेमाल करना है। मतलब क्या है व्यूअर्स आपके लिए, अगर आप इनको देखते किस तरह से हो, जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको आपका नजरिया क्या है उन चीजों को देखने का। यहाँ पे गाइज आपको अपना सर प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, कहीं ना कहीं आपको गाइज उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने नहीं देती है जो आप उनको ग्रैब कर सकते हो, उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो आपको सिर्फ अपने आप को ओपन अप करना है व्यूअर्स, और यहाँ पर आपके लिए जैसे डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, एक एक लव गेट आपके लिए ओपन हो रहा है जो आपके पार्टनर के साथ में आपको कनेक्ट करवा रहा है। तो इस एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन वाली एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, विद गाइज फाइनेंशियल अबंडेंस, ओके। तो टाइम ही गाइज कुछ ऐसा चलने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। गॉडेस से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए, प्लीज गॉडेस गाइड करिए, बताइए नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आप इनको मैसेज देना चाहते हैं उन अपॉर्चुनिटीज के लिए, ओके। गाइज जो आपके लिए यहाँ पे कार्ड था ना डोर टू रोमांस का, कनेक्शन का, रियूनियन का, पैचअप का, टेंशन वाले माहौल से या फिर एक इस तरह से आर्ग्यूमेंट वाले माहौल से बाहर निकलने का गाइज वो होने ही वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पे गॉडेस ने भी आपको कंफर्मेशन दी है कि अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक ऐसा प्यार जिसमें मतलब कोई शर्तें नहीं है या फिर किसमें किसी तरह का छलावा नहीं है, किसी भी तरह का धोखा नहीं है, तो उस एनर्जी से गाइज आप नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, और वाइज वही होने वाला है आपके लिए, आपको प्योरिटी आपको मिलने वाली है आपके लाइफ की, हायर सेल्फ। मतलब गाइज यहाँ पे ये है कि आप हायर लव के साथ में, ट्रू लव के साथ में आप कनेक्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, ओके। बॉडीज ऑफ बाथ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशियन, और टू रिचार्ज योर बैटरीज। आपके लिए गाइज यही है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं तो आप पानी का कहीं ना कहीं इंटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। इमोशन क्या होते हैं व्यूअर्स, हमारे वाटर एनर्जी। तो आप बहुत ज़्यादा गाइज इस तरह से डीप नेगेटिविटी में रहते हैं तो वही व्यूअर्स आपको अंदर से सबसे पहले तो ये निकालना होगा, और आप कहीं ना कहीं इसमें निकालने के लिए आप या तो नेचर का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, या नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नई जर्नी के लिए अपने आप को रिचार्ज कर सके, क्योंकि नई जर्नी आपकी नेक्स्ट 7 डेज में स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या गाइडेंस है एंजल्स की, प्लीज डिवाइन गाइड करिए एंजल्स, आप बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, ओके व्यूवर्स। नेक्स्ट 7 डेज में व्यूवर्स आपके लिए बहुत कुछ है, और वो बेहतर है, बहुत अच्छा है व्यूवर्स आपके लिए, रोमांस है आपके लिए गाइज, वही है रियूनियन की एनर्जी गाइज बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, रियूनियन है, प्यार है, अपनापन है, अपनों के साथ में कनेक्शन है, कॉम्प्रोमाइज है, और अबंडेंस है व्यूअर्स यहाँ पे रोमांस की, लव की, कंपैशन की, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन की और ट्रस्ट की, वो एनर्जी गाइज यहाँ पर आपके लिए है। एंड नो नीड टू वरी व्यूअर्स, आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप टेंशन ना लो, जो भी है अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बस टाइम थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप चेंज हो रहा है, आप उन चीज़ों को खुद से चेंज करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा लेकिन वो खुद से होंगी आपकी लाइफ में, तो जस्ट फेथ रखिए डिवाइन के ऊपर व्यूअर्स, आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज बोला गया है। कुछ मैं गाइज आपके लिए 5 कार्ड निकालूंगी आज विश कार्ड की तरफ से, देखते हैं विश कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आते हैं।
फाइव कार्ड प्लीज डिवाइन बताइए नेक्स्ट 7 डेज के लिए मेरे व्यूवर्स की कौन कौन सी विश है जो डिवाइन आप चाहते हैं इनकी लाइफ में पूरी करवा देना प्लीज डिवाइन। मेरे पास गाइस अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो व्यूवर्स यहाँ पे चेंजेस तो आ ही रहे हैं आपकी लाइफ में और अनएक्सपेक्टेड आएंगे। जब मतलब क्या होता है ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि अब मैसेज आएगा, मे भी हो सकता है उस समय ना आए, लेकिन जब आप अनएक्सपेक्टेड मतलब आपको उम्मीद भी नहीं होगी तब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, चाहे वो करियर के प्रोस्पेक्टिव से हो या आपकी लाइफ में आपके पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से, आपकी लव लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से हो या आपके आपके रिलेशनशिप आपके परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें हों, तो व्यूवर्स वो यहाँ पे होंगे। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो आपके लिए यही है कि बदलाव हैं और बहुत ज़्यादा हैं व्यूवर्स आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। ओके वी हैव पावर, आपके अंदर वो वीवर पावर भी है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से निकाल लेंगे और अपने आप को स्टैंड मतलब एक बिल्कुल डाउन वाली एनर्जी से या फिर अपने आप को बिल्कुल फिनिशिंग वाली एनर्जी से निकाल के आप अपने आप को फिर से स्ट्रांग फील करेंगे। आपको लगेगा हाँ मेरे अंदर वो फिर से मुझे वो चीज़ें मिल गई हैं जिससे मेरे अंदर पावर आ गई है। ठीक है, तो वीवर पावर यहाँ पे मेंटली है, फिजिकली है, लव लेवल पे है और जैसे कि फीलिंग जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया है वो व्यूवर्स यहाँ पे हैं। ओके, सिलेक्शन मैंने जैसे ही बोला था किसी की जॉब लग सकती है, तो व्यूवर्स वही एनर्जी है, या फिर आपको कोई पर्सन अपने लिए सिलेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन की एनर्जी है, चाहे किसी भी तरह से हो पर आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। ओके, नॉलेज की एनर्जी व्यूवर्स, कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, कुछ समझने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जिनको लेके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड व्यूवर्स रिलीज हो रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास है विक्ट्री का व्यूवर्स यहाँ पे कार्ड, यानी आपकी आपकी सक्सेस हो रही है, आपको ही सक्सेस व्यूवर्स यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो व्यूवर्स सक्सेस के साथ में होम की एनर्जी है, यानी गाइस कहीं ना कहीं देखो रिश्ते सुधर जाएंगे, परिवार में खुशियां हैं, वही व्यूवर्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो व्यूवर्स ये एनर्जी आपके लिए वर्क करेंगे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी, अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।